विपक्ष की पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया के लिए मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता भी हैं सुबह जो पूजा पाठ की तस्वीरें और सेंगोल को स्थापित किया गया वो सब देखा आपने और क्या प्रतिक्रिया है आपकी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो हमारी आशंका थी सही साबित हुई ऐतिहासिक क्षण था ऐतिहासिक कार्यक्रम था का आज जिस संसद का उद्घाटन हुआ है जिस संविधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा बनी है उसका भवन का उद्घाटन हुआ है और ना संसद की मुखिया मौजूद है ना संविधान की मुखिया मौजूद है काश इस कार्यक्रम में हमारी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी मौजूद होती और उनकी मौजूदगी से इसकी संवैधानिकता गरिमा और बढ़ती पर आज तो मेरा शक जो था वो सही साबित हो गया आप देख रहे थे कोई मंत्री तक आसपास नहीं फटकने पाया राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था हरवंश जी कहीं कोने में बैठे जरूर थे किसी कार्यक्रम में नहीं तो इतिहास जब पढ़ा जाएगा लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी सरकार को कभी इस बात के लिए माफ नहीं किया जाएगा कि सिंगल फोटो हो सिंगल फ्रेम हो सिर्फ हम हो हमारे अलावा कोई ना हो इसलिए एक राष्ट्रपति को शायद इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी महिला है अगर वो होती तो निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें पूरा संवैधानिक मुखिया होने के नाते हम लोग भी मौजूद होते राष्ट्रपति होती तो आप भी होते आप नहीं हैं उद्घाटन हो रहा है दूसरा चरण जो है वो कुछ देर बाद शुरू होगा आ, क्या नहीं लगता कि विपक्ष को वहां पर होना चाहिए था दुनिया भी देख रही है कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम को और वहां पर विपक्ष की गैर मौजूदगी से आ, एक सवाल तो उठता है हाँ निश्चित रूप से सवाल उठेगा लोग पूछेंगे विपक्ष क्यों नहीं गया और विपक्ष शक्ति के साथ पूरे विश्वास के साथ कहेगा कि हम संविधान का जब अपमान हो रहा हो भारत की प्रथम नागरिक आदिवासी महिला का अपमान हो रहा हो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अपमान हो रहा हो क्योंकि किसान परिवार से आते हैं तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ना इस अपमान का साझीदार होना चाहता था और ना ही भागीदार होना चाहता था सिर्फ इसलिए एक लालच कि सिर्फ मेरी सूरत दिखाई पड़े संगोल बने एक लोगों के मन में एक होगा कि का सम्मान भी तो हो रहा है वो ऐतिहासिक जिसे नेहरू जी को सौंपा गया था जो प्रधानमंत्री ने कल कहा सेंगोलम से जो प्रमुख लोग आए थे कि उसको छड़ी बना करके म्यूजियम में रख दिया गया था उसको वापस सम्मान दिलाया और लोकसभा में अब स्थापित कर दिया गया है इस पर आप क्या कहेंगे और वो तस्वीरें आपको कैसी इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं क्या महिम महिम राष्ट्रपति होती तो सिंगोल ना रिसीव करती क्या ये स्थापित ना होता सब कुछ होता लेकिन वो संविधान के मुखिया से नहीं कराया संसद भवन की मुखिया से नहीं कराया संसद के मुखिया से नहीं कराया कि इसलिए मुझे करना है और किसी मंत्री तक तो को आसपास नहीं फटकने दिया सिंगल फ्रेम सिंगल फोटो मोदी जी आपने जो किया है आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं ठीक